जो बुरी आदतें मुझ में आ गई थीं, वो आदतें अब मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गई थी। शराब पीने और जुआ खेलने के लिए मैं चोरी करने लगा। फिर मैंने अपना शहर मिस्र छोड़ दिया और चोरी करने के लिए रेगिस्तानी मुल्क की तरफ रवाना हो गया। रेगिस्तान में एक उजाड़ से झोपड़े के पास मैंने देखा कि चार ऊंट बंधे हुए थे। मैंने सोचा कि इन ऊंटों को चुरा कर यहां से भाग जाऊं। वहां एक बुजुर्ग आदमी आंखें बंद करके नमाज अदा कर रहा था। उसने मुझे नहीं देखा और मैंने उन चारों ऊंटों को चुरा लिए और वहां से भाग गया। सुलेमानी का बहनुमा जिन चाहे जिन्ना, 21 साल से तू मुझे कब्जे में करने के लिए वजीफा पढ़ रहा है। आज ऐ सहराई दरवेश, मैं तेरे वजीफे की वजह से मजबूर होकर तेरे सामने जाहिर हुआ हूँ। आखिर क्यों तू मुझे अपना गुलाम बनाना चाहता है? गुलाम नहीं दोस्त, मददगार बनाना चाहता हूँ। ऐ खजाना सुलेमानी के रहनुमा जिन्न, मेरी मदद कर, मुझे सुलेमानी खजाने तक पहुंचा दे। मैं बेशुमार दौलत हासिल करना चाहता हूँ। बेशुमार दौलत मत ले, मैं बेशुमार दौलत लूंगा। मैं तुझे बेशुमार दौलत नहीं लेने दूंगा। मैं दौलत लेके रहूंगा। बेशुमार दौलत का ख्याल अपने दिल से निकाल दे। ऐ सहराई दरवेश, जरूरत से ज्यादा दौलत इंसान को चैन से जीने नहीं देती। ये लालच तेरी जिंदगी को जहन्नुम बना देगा। मैं जहन्नुम को जन्नत बनाना चाहता हूँ। ये लालच नहीं, खिदमत है, नेकी का जज्बा है। आग बरसाता हुआ आसमान, प्यास के लिए तड़पती हुई जमीन, दम तोड़ते हुए इंसानी जिंदगी के जहन्नुम को पानी की नहर निकाल कर मैं उस जहन्नुम को जन्नत बना देना चाहता हूँ। और वो जन्नत तभी बन सकती है जब मेरे पास बेशुमार दौलत हो। ऐ शहंशाह जिन्नात, मैंने इसी रेगिस्तान में अपने मासूम भाई, अपनी बहन, माँ बाप को पानी के लिए प्यास से तड़प तड़प कर मरते हुए देखा है। पानी के लिए प्यास से तड़प तड़प कर मरते हुए देखा है? हाँ, ऐ खजाना ऐ सुलेमानी के रहनुमा, देख देख, मैं तुझे भी दिखाता हूं। देख, देख, देख वो हसरतनाक मंजर, देख वो दर्दनाक मंजर, आज भी मेरी आंखों में आंसू बनकर जिंदा है। बेटा, अब पानी की क्या जरूरत है? बेटा, पानी लाने में इतनी देर क्यों करती है? कौसर बेटी, कौसर बेटा, अबूजान, इस रेगिस्तान के लिए कुछ करना बेटा। हाँ अबूजान, मैं कुछ करूंगा अबूजान, ताकि हमारे जैसे माँ बाप बिना पानी के भूखे प्यासे न मरे। बेटा, अम्मी, आ,
अम्मी अम्मी अबू अम्मी अम्मी अबू या खुदा ये कहर मुझ पर नाजिल क्यों हुआ या खुदा इसलिए मुझे दौलत चाहिए बेशुमार दौलत ताकि इस मौत के रेगिस्तान में मैं नहर बनाकर दूर दूर से पानी ला सकूं और किसी भी दरिया से उस नहर को जोड़कर पानी जारी कर सकूं। हे आदमजात तुम्हारी बेशुमार दौलत पाने की ख्वाहिश जायज है तू अपने लिए नहीं दूसरों के लिए बेशुमार दौलत पाना चाहता है इंसानियत की खिदमत करना चाहता है इंसानों को प्यास से मरते हुए बचाना चाहता है अपने मां बाप से किए हुए वादों को पूरा करना चाहता है 21 साल तक वजीफा करके तूने अपनी जवानी की उम्र नेक मकसद में सर्फ कर दी आफरीन ऐ सहराई दरवेश तेरी नेक नियत इंसानियत मेहनत नफसकुशी और इंसानी जज्बात का मैं एहतराम करता हूं शुक्रिया शुक्रिया ए रहनुमा जिन अब तू मुझे खजाना ए सुलेमानी का रास्ता बता खजाने तक पहुंचने का नक्शा जब भी तुझे इसे देखना हो इस नक्शे से सवाल करना उसका जवाब इसमें नजर आएगा एक जिन जवाब देगा तू इसकी हिफाजत करना जरूर हिफाजत करूंगा ए मेरे रहनुमा जिन और तेरी क्या रहनुमाई है नक्शे सुलेमानी है जब रास्ते में कोई जिन या निगाहबान तुम्हें रोके तो चांदी पर लिखे हुए इजाजत नामे का नक्श दिखा देना शुक्रिया और कुछ घिसोगे मैं आ जाऊंगा मगर मुझे उस वक्त बुलाना जब मेरी खास जरूरत हो वरना हरगिज ना बुलाना ये अंगूठी मेरी गुलामी की निशानी है आज से मैं तुम्हारा गुलाम हूं नहीं खजाना इस सुलेमानी के रहनुमा शाह जिन्नात ये अंगूठी गुलामी की नहीं दोस्ती की निशानी है अच्छा दोस्त सहराई दरवेश अल्लाह तुम्हें तुम्हारे नेक मकसद में कामयाब करें और तुम रेगिस्तान में नहर ला सको पानी जारी कर सको अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज मेरे ऊंट कहां है कहां है मेरे ऊंट मेरे ऊंट हफ्ता 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 दोयम दोयम हफ्ता
तू सब दिरहम हार गया, जा बाहर जा, निकल यहाँ से। अरे वाह, अब क्या लगाएगा जुए में? ऐसे कैसे चला जाऊं? अभी मेरे पास चार ऊंट है, चार। मैं चार ऊंटों का मालिक हूँ, चार ऊंटों का। मेरे पास चार ऊंट है, हाँ। इन ऊंटों का मालिक कौन है? मैं मालिक हूँ इन ऊंटों का। ये चोर मेरे ही ऊंटों को चुरा कर ले गया और इसको ये पता ही नहीं कि इन ऊंटों का असली मालिक तो मैं हूँ। मुझे भी एक आदमी की जरूरत है, क्यों ना इसी आदमी को साथ ले जाऊं? खजानाए सुलेमानी को बोरियों में भरने और उठाने के लिए मुझे भी तो एक आदमी चाहिए। मोहतरम बुजुर्ग, क्या सोच रहे हो? ये ऊंट मेरे ही हैं, मैं ही इनका मालिक हूं। मैंने बचपन से इन्हें पाला है। झूठ अच्छा बोल लेते हो। क्या मतलब? मतलब ये कि सिर्फ बातें ही करते हो या कुछ मेहनत मजदूरी भी कर लेते हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं। ऐ मोहतरम अजनबी, कौन हो तुम? मैं सहराई दरवेश हूँ। मुझे यहाँ से 7 मंजिल से दूर जाना है। वहां से पहाड़ों में जाकर मुझे कुछ सामान लाद कर लाना है। क्या तुम मेरे साथ चल सकते हो? हाँ हाँ, बिल्कुल तैयार हूँ। मगर ये बताओ कि बदले में तुम दोगे क्या? कितनी रकम चाहिए तुम्हें? यही कोई 500 दिनार? नहीं, मैं तुम्हें 500 दिनार नहीं, 500 अशरफियां दूंगा। 500 अशरफियां? क्या कहे, चोरी की है या डाका डाला है? मजदूर की मजदूरी की इतनी बड़ी कीमत या तो कोई चोरी दे सकता है या तो कोई मोहतरम सखी। सबको अपनी तरह ना समझो, इस दुनिया में अच्छे इंसान भी हैं और ये दुनिया उन्हीं से चल रही है। चलो चलो। तुम यहीं ठहरो। ऐ नक्शे राह, मुझे रास्ता बता, मुझे खजाना सुलेमानी की राह बता, बता कि मैं किस राह पर चलूं। ऐ नक्शे राह, मुझे खजाना सुलेमानी तक पहुंचने का रास्ता बता। खजाना सुलेमानी मंजिल के मुसाफिर, यहाँ से बाई तरफ जा। 21 दिन 21 रातों के बाद एक मुजस्समा आएगा जिसका नाम है रहबरे खामोश। हाँ मुसाफिर, उसका नाम है रहबरे खामोश। वो पत्थर का खामोश बुत मिट्टी के टीले में सो रहा है और तू जिस अमल का आमिल है वो पढ़कर उस पर फूंकना। वो रहबरे खामोश जागेगा, उसके गुस्से भरी आवाज से डरना नहीं। वो तुम्हें जो रास्ता बताएगा उस रास्ते पर जाना, तब तुम खजानाए सुलेमानी के पहाड़ों तक पहुंचोगे। 21 दिन और 21 रातों के बाद? हाँ, एक बात याद रखना, रास्ते से भटकाने के लिए, तुम्हें डराने के लिए बहुत कुछ आता रहेगा। रास्ते से भटकना नहीं और बलाओं से डरना नहीं। जा 21 दिन और 21 रातों के सफर पे रवाना हो जा। जा। शुक्रिया शुक्रिया ए नक्शे राहजिन, तेरा शुक्रिया। मोहतरम सहराई दरवेश, ये तुम मुझसे छुपाकर क्या देख रहे थे और किससे बातें कर रहे थे? बस मुझसे ऐसे सवाल मत पूछना, खामोशी से मेरे साथ चलो, वक्त आने पर सब कुछ मालूम हो जाएगा। और वादे के मुताबिक तुम मुझे 500 अशरफियां दोगे, याद है ना? दूंगा दूंगा, जरूर दूंगा। आओ सफर पर रवाना हूं। चलो चल चल। घबराओ नहीं, हिम्मत
याद रखो। और कौन सी हिम्मत? हवा में उड़ने की हिम्मत? बगैर जनाजे के कब्र में दफन होने की हिम्मत? नहीं नहीं, तुम इतनी जल्दी मरने वाले नहीं हो। आओ मेरे साथ, एक शर्त पर आऊंगा। अगर 500 अशर्फियों के बदले 1000 अशर्फियां दोगे तो ही मैं आऊंगा, नहीं तो अपने ऊंट लेकर मैं वापस जा रहा हूँ। अरे नहीं नहीं, जाना नहीं, मैं तुम्हें 1000 अशर्फियां दूंगा। आओ मेरे साथ। ये ले। ये भी कोई जिंदगी है? भूख लगे तो खजूर खाओ, न शराब न कबाब न शबाब न जुआ, तफरी का कोई सामान ही नहीं। कितने दिन हो गए, कितने दिन मैंने शराब नहीं पी। मेरा बदन टूट रहा है, नाच नहीं देखा मैंने, गाना नहीं सुना। मुझे अपनी इन कुर्बानियों की कीमत मिलनी चाहिए। हां, तुम्हारे लिए ऐ मोहतरम दरवेश मैं कितनी कुर्बानियां दे रहा हूं, तुम जवाब न दो। ऐ सहराज दरवेश, मैं तुम्हें जवाब देता हूं। मैं चला अपने ऊंट लेकर वापस। हां नहीं, तो फिर 1000 अशर्फियों की बजाय पूरे 1500 अशर्फियां लूंगा। हां अगर मंजूर नहीं है तो फिर देखो अपना अंजाम। अकेले अपनी मंजिल तक पहुंचोगे और सामान जो तुम लेने जा रहे हो ना, वो पूरा सामान तुम अपने सर पर रखकर ला नहीं सकोगे। अंजाम ये होगा, ये सफर तुम्हारा बेकार ही चला जाएगा और तुम वापस आते आते रास्ते में खत्म हो जाओगे। हाँ ऐ लालची इंसान, मैं डरने वाला नहीं और जो कुछ मैं लेने जा रहा हूं वो अल्लाह के बंदों की अमानत है और अमानत में खयानत नहीं करनी चाहिए। मैं भी तो अल्लाह का बंदा हूं, मेरी मेहनत मजदूरी भी तो आपके पास अमानत है। तू भी खयानत ना कर। हाँ, और मुझे 1000 के बदले 1500 अशर्फिया दे, समझा? दे दूंगा, मगर ये ईमानदारी के उसूल के खिलाफ है। क्यों? जब एक बार मेहनताना तय हो गया तो उसी जुबान पर कायम रहना चाहिए। ये ले, पानी पी और सो जा। नादान जमाल, रुक जा, रुक जा जमाल, रुक जा। क्यों रुक जाऊं? क्यों रोक रहा है मुझे? क्या तुम्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा सहराज दरवेश? जो मुझे दिखाई दे रहा है वो आंखों का धोखा है, धोखे का सुनहरा जाल है। पहले तू इन नजरों से फंसेगा और फिर निकल नहीं पाएगा। जमाल, मुझे मत रोक मेरे आरजी आका। मेरी किस्मत ने आज मुझे यह मंजर दिखाया है और मुझे यहां पहुंचाया है। जिन चीजों के लिए मैं तरस रहा था, मेरी किस्मत से वो सब चीजें यहां हैं।
हसीन चेहरे हैं, जुआ है, शराब है, शबाब है, कबाब है, हर चीज है और अजाब है। बेवकूफ नौजवान। अरे मैं तो सिर्फ नौजवान हूँ नौजवान, और तू तू तो बेवकूफ है। ये तुम्हारा कसूर नहीं है, तुम्हारी उम्र का कसूर है ये। जमाल मेरी बात सुन, मेरी बात समझ, मेरी बात पे यकीन कर। जमाल ये गोले बयाबानी है, गोले बयाबानी। गोले बयाबानी उस जिन्नाती मखलूक को कहते हैं जो बयाबानों में आबाद है और जिस शक्ल में चाहती है आ जाती है। जमाल जिन्नातों में दो किस्म के जिन्न होते हैं, एक शरीफ साहब ईमान जो वादहू ला शरीका लहू पर यकीन रखते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं, और दूसरे शैतान जिन होते हैं जो इंसान को बुराई की तरफ ले जाते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, परेशान करते हैं और कदम कदम पर धोखा देकर मौत के जाल में फांस लेते हैं। इसलिए जमाल तू ना जा, अगर तू गया तो वापस नहीं आ सकेगा। जमाल तू वापस नहीं आ सकेगा। जमाल रुक जा। अच्छा है मैं वापस ना आऊं, वहां हसीनों के साथ मैं जमीनों के साथ नाजनीनों के साथ रहूंगा, खूब जुआ खेलूंगा और जुए में ढेर सारी दौलत जीतकर मैं बहुत बड़ा दौलतमंद बन जाऊंगा। लालच के गुलाम बदकार नौजवान, तेरी आंखों पर लालच और हुस्न जवानी के गुनाहों के इतने पर्दे पड़ गए हैं कि तू अंधा हो गया है। अगर तू मर गया या अपाहज हो गया तो मेरे उस नेक मकसद का क्या होगा जिस नेक मकसद के लिए मैं तुझे अपने साथ लाया हूं। तू ना जा जमाल, तू ना जा। अब तुम अपने इस नेक मकसद के साथ और मुझे मत रोक, मैं तो चला ऐश करने।